देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कोविड बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सपना बिष्ट, खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में महामारी कोविड 19 के चलते इस वर्ष श्री गणेश महोत्सव हल्द्वानी शहर में बहुत ही सादगी एवं सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही मनाया जाएगा। केवल मूर्ति स्थापना एवं प्रातःकाल एवं सायकालीन आरती पूजन ही किया जाएगा। भक्तों की अत्यधिक भीड़ एकत्रित नहीं की जाएगी। किसी भी गणेश महोत्सव में कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन कीर्तन समूह में भक्त एकत्रित नहीं हो सकते। वहीं दूसरी ओर बताया गया कि श्री गणेश जी की मूर्ति विसर्जन में भी केवल 2 या 4 व्यक्ति ही मूर्ति विसर्जन स्थल पर जाने की अनुमति होगी। कल सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा बताया गया कि श्री गणेश चतुर्थी गणेश महोत्सव एक आस्था का प्रतीक है एवं भक्तों के द्वारा पूरे नियमों एवं सरकार की गाइडलाइनों का पालन करते हुए शहर में श्री गणेश महोत्सव आयोजन किया जाएगा। उनका कहना है कि किसी भी गणेश महोत्सव स्थल पर अत्यधिक भीड़ एकत्रित नहीं होगी। फेस मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंस की अनिवार्यता एवं भजन कीर्तन समूह में बैठना, शोभा यात्रा, यह सब कोविड 19 के चलते प्रतिबंधित रहेगी। वहीं हमारे द्वारा जब आयोजक समितियों के अधिकारियों से इस विषय में वार्ता की गई, सभी पद अधिकारियों का कहना है कि कोविड 19 के चलते इस वर्ष भी गणेश चतुर्थी गणेश महोत्सव का आयोजन बहुत ही सादगी के साथ मनाया जाएगा। जैसे कि शोभायात्रा, भंडारा, मूर्ति विसर्जन में अत्यधिक भीड़ नहीं जाएगी। वैश्विक महामारी को देखते हुए सभी आयोजक समिति द्वारा सरकार की गाइड का अनुपालन किया जाएगा। इस वर्ष श्री वैश्य महासभा के द्वारा श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित श्री राम मंदिर में ही की जाएगी एवं नवयुवक संघ के द्वारा मूर्ति स्थापना घर के परिसर में ही की जाएगी एवं नित्य प्रातकाल एवं सायकालीन आरती का आयोजन ही किया जाएगा। किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन कीर्तन इत्यादि नहीं किए जाएंगे। यह जानकारी हमको आयोजकों के पद अधिकारियों के द्वारा दी गई है। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से अतुल अग्रवाल की रिपोर्ट। ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अब नजदीक है लेकिन कोविड 19 के चलते इस बार गणेश महोत्सव मनाएंगे तो उसकी गाइडलाइन क्या होगी? बहुत अच्छी बात कही आपने और आपके सम्मानित और लोकप्रिय चैनल के माध्यम से एक जानकारी देना चाहूँगा कि गणेश महोत्सव गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बड़े कोविड 19 और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही मनाया जाएगा। 6 जुलाई से प्रारंभ हो रही है, इसका गणेश महोत्सव कैसे मनाएंगे आप? गणेश चतुर्थी पे पूजा के महत्व को देखते हुए सूक्ष्म रूप से, कोरोना माहौल को देखते हुए सूक्ष्म तरीके से प्रोग्राम होगा। लोग अपनी सिद्धानुसार पूजा में, आरती में शरीक होंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना को देखते हुए ध्यान रखा जाएगा। श्री गणेश चतुर्थी का आयोजन शुरू होने वाला है, आप किस तरह इसको मनाएंगे इस बार? भाई उत्साह तो बहुत है लेकिन कोविड 19 के चक्कर में आपने देखा है कि स्ट्रिक्टनेस भी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी है और ये ऐसी महामारी है कि इसमें कोई प्रोग्राम करना उचित भी नहीं है। लेकिन अब देखा जाए तो हमारी परंपरा चली आ रही है, इस परंपरा को तोड़ना भी नहीं है। लेकिन हम नवयुवक संघ ने एक डिसीजन लिया है कि हमने खाली मूर्ति स्थापना करनी है, उसमें सिर्फ 2 या 4 लोग मौजूद होंगे जो सवेरे और शाम आरती करेंगे। चतुर्थी किस तरह मनाएंगे आप? इस बार गणेश चतुर्थी गवर्नमेंट के दिए गए पालन अनुसार मनाएंगे। जैसे गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने रूल निकाले हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग में फेस पे मास्क और डिस्टेंसिंग बना के हमें इस उत्सव को मनाएंगे। हाँ, हालांकि हर बार की तरह उत्सव को धूमधाम से नहीं मना सकते, हम लोग सीमित लोग रह के ही गणेश उत्सव को मनाएंगे। गणेश चतुर्थी का पर्व आने वाला है, 22 जुलाई से गणेश चतुर्थी है, इस बार गणेश महोत्सव कैसे मनाएंगे आप? देखिए, आज इस समय जो कोरोना काल चल रहा है उसको देखते हुए उतना बृहद कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। जो तय हुआ है वैश्य महासभा के अंदर वो ये है कि हम सूक्ष्म में इस कार्यक्रम को करेंगे, लेकिन स्थापना हमें करनी है। पिछले 18 वर्षों से स्थापना चल रही है हमारी, हम पूजा हो रही है तो पूजा दोनों टाइम होगी, प्रातः पूजा पाठ करके आरती होगी, प्रसाद वितरण जो वहाँ उपस्थित होंगे उनका होगा और सायंकाल आरती होकर समापन हो जाएगा। दर्शकों के लिए जो दर्शन करने आना चाहते हैं उनके लिए गैलरी बनी जाएगी, उस गैलरी से दर्शन करते हुए निकलते रहेंगे, भीड़ की व्यवस्था वहाँ पर नहीं होगी।
गणेश चतुर्थी पर आने वाला है, इसको कैसे मनाया जाएगा? देखिए, धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए और वहाँ पे जो पूजा पाठ किस प्रकार से किए जाएं, इसके संबंध में दिशा निर्देश पूर्व से ही निर्गत हैं। शासन स्तर पर भी जो गाइडलाइंस जारी हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग इन सब का पालन करते हुए पूजा पाठ वहाँ पे की जाए, निर्धारित समय अवधि तक की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन कराया जाए और सभी धार्मिक स्थलों में इन सब का पालन करते हुए आप पूजा पाठ के लिए निर्देश पूर्व से जारी है।